मेरा नाम कुशल कुमार, ये मारुति सुजुकी स्विफ्ट का बिल्कुल बेस वेरिएंट जो कि LXi वेरिएंट रहने वाला है। तो विषय मैं करूँ शाकुमरी मारुति सुजुकी शोरूम पर। इनके कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब कोई सी मारुति कार चाहिए तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप अंडर 7 लाख रुपीज कोई कार देख रहे हैं तो इतने प्राइस में काफी सारे ऑप्शन है, पर लेकिन अगर आप कोई रिलायबल कार देख रहे हैं जिसका लुक भी अच्छा हो तो सिर्फ आपको इतने प्राइस में स्विफ्ट का बेस वेरिएंट मिलेगा। फिर अपने हिसाब से इसमें काफी सारी मॉडिफिकेशन करा के इसको अपने हिसाब से बढ़िया बना सकते हैं। और ये नहीं कि बेस वेरिएंट है तो आपको बेस वेरिएंट की तरह लगेगा, जब इसकी फ्रंट प्रोफाइल को देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी बेस वेरिएंट की तरह नहीं लगेगा। बेस वेरिएंट से लेके आपको टॉप वेरिएंट तक सेम ही ग्रिल मिलती है और फ्रंट प्रोफाइल अप्रोक्स सेम ही रहती है। और आप इससे अपर वेरिएंट यानी कि BXi वेरिएंट भी लेंगे उसमें भी आपको कुछ तरह की फ्रंट प्रोफाइल मिलेगी। BXi वेरिएंट में भी आपको फोक लैंप्स नहीं दिए जाते हैं, बस जो कमी रहने वाली है वो उसकी साइड प्रोफाइल में रहने वाली है कि आपको उसमें व्हील कवर्स नहीं मिलते हैं, लेकिन आप इनको आफ्टर मार्केट या भी शोरूम से लगवा सकते हैं। बेस वेरिएंट से ही आपको एलईडी टेल लाइट जैसे फीचर्स ऑफर करे जाएंगे। और इनके अलावा क्या क्या फीचर्स आपको ऑफर करेंगे इस कार के बिल्कुल बेस वेरिएंट में वो इस वीडियो में देख लेंगे। सबसे अट्रैक्टिव जो इस कार का है वो इसका प्राइस है कि आपको 6 लाख रुपीज के एक शोरूम प्राइस पर आपको ये वाली कार मिल जाएगी। फिर आप मॉडिफिकेशन के फैन है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन जाती है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। इतने कम प्राइस में आपको फिर कार मिल जाएगी, फिर आप इसमें मॉडिफिकेशन करा के अपने हिसाब से बढ़िया बना सकते हैं। लुक भी अच्छा है इस कार का, रीसेल होगी, मेंटेनेंस कम है और देखने में भी काफी बढ़िया लगती है। इतने साल हो गए हम मार्केट में आते हुए मारुति सुजुकी स्विफ्ट को, लेकिन देखने में आउटडेटेड नहीं लगती है। तो जल्दी से तो मैं इस कार की उस कार में के मिल जाएगी। रिमोट सेंट्रल लॉकिंग आपको बेस वेरिएंट में नहीं, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलती है, बेसिक सी की दी जाती है। और ये रही फ्रंट प्रोफाइल इस कार की। फ्रंट में आपको हैलोजन हेडलाइट्स मिल जाएंगे और इंडिकेटर में रहने वाला है आपका बल्ब। और ये रही ग्रिल इस कार की, सुजुकी का लोगो हो गया, यहाँ पर आपको क्रोम लाइन मिल जाएगी। बेस वेरिएंट से लेकर टॉप वेरिएंट तक आपको सेम ही ग्रिल मिलेगी। बेस वेरिएंट में आपको फोग लैंप्स नहीं मिलते हैं, ना ही से अपर वेरिएंट में आपको फोग लैंप्स दिए जाएंगे। फिर ओवरऑल सर लगती है इस कार की फ्रंट प्रोफाइल। फ्रंट से देखने में कोई भी नहीं कहने वाला है इस कार का बिल्कुल बेस वेरिएंट है। ग्रिल काफी बढ़िया लगती है इस कार की, वो बस फोग लैंप्स की कमी आपको महसूस होगी फ्रंट से देखने में। और साइड में व्हील कवर्स आपको बेस वेरिएंट में नहीं दिए गए हैं, 14 इंच के मिल जाएंगे आपको उसमें स्टील व्हील्स। 165/80 R14 की प्रोफाइल रहने वाली है और इंडिकेटर हो गया इस कार के फेंडर पे। और ये इस कार का ORB हो गया आपको ब्लैक कलर का मिल जाएगा। ए पिलर हो गया बॉडी कलर का, डोर हैंडल ब्लैक कलर के, और बी पिलर हो गया ब्लैक कलर का, और बैक डोर हैंडल आपको यहाँ पर दिया जाता है। फिर उस तरह की लगती है कार साइड से देखने में। और ये कंबाइन लुक बैक और साइड प्रोफाइल की। एलईडी टेल लाइट ऑन होने के बाद काफी बढ़िया लगती है बैक से देखने में, और नाइट में भी काफी बढ़िया रेस्पॉन्स रहता है। एलईडी टेल लाइट जैसे फीचर आपको बेस वेरिएंट से ही ऑफर कराया गया है। इंडिकेटर बैक लाइट में हो गया यहाँ पर बल्ब, सुजुकी का हो गया लोगो, स्विफ्ट की हो गया यहाँ पर बेजिंग, एंटीना हो गया, इंडिकेटर स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रियर बाइफर डिफोकर बोर्ड जैसे फीचर्स आपको इस कार में नहीं दिए गए हैं, 4 पार्किंग सेंसर्स हो गए। तो चलिए फिर मैं आपको इस कार का बूट दिखाता हूँ, फिर कितना स्पेस मिल जाएगा आपको इस कार के बूट में। कार की बूट को ओपन करने के लिए आपको बैक में कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कार की बूट को अनलॉक करने के लिए। पांच सीटर यहाँ पर नहीं दी गई है, टूल किट हो गई, वो स्पेयर व्हील। तो वैसा आप देखते कुछ फीचर्स आपको XJSS के बेस वेरिएंट में मिल जाते हैं, काफी बढ़िया वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। जैसे आपने देखा इसके बेस वेरिएंट से आपको एलईडी टेल लाइट मिल जाएगी। जो फ्रंट प्रोफाइल रहने वाली है इस कार की उसमें आपको क्रोम मिल जाएगा। जैसे ही आपको टॉप वेरिएंट में इसकी ग्रिल मिलती है उसी डिजाइन में आपको इस कार की ग्रिल मिल जाएगी। जैसे आपको पता होगा इसके बेस वेरिएंट में आपको व्हील कवर्स नहीं मिलते, इंडिकेटर फेंडर पर हो गया, ना ही आपको ORBM बॉडी कलर के मिलेंगे, ना ही डोर हैंडल। तो ये कुछ कमी है, पर लेकिन आप इनको मॉडिफिकेशन करा के काफी बढ़िया इस कार को बना सकते हैं। तो इस कार में आपको 1200cc का इंजन मिल जाएगा, 1.2 लीटर जेट, जो कि प्रोड्यूस करेगा 89 BHP की पावर, 113 Nm का टॉर्क। तो चलिए फिर मैं आपको इस कार का इंटीरियर दिखाता हूँ, फिर क्या क्या ऑफर करा जाएगा आपको इस कार के इंटीरियर में। वो बाहर से देखने में कुछ तरह का लगता है इंटीरियर कार का, पूरा ब्लैक कलर का रहेगा इंटीरियर। और यह ड्राइवर साइड डोर भी आपको पूरा ब्लैक कलर का दिया जाएगा, डोर ओपन हो गया ब्लैक कलर का। मैनुअली विंडो मिल जाएगी, पावर विंडो आपको बेस वेरिएंट में नहीं दी गई है, बार डबल स्पेस टू फाइंड स्पेस, और स्पीकर की सिर्फ आपको हाउसिंग दी जाती है। वो बाहर से देखने में कुछ तरह का लगता है इंटीरियर इस कार का। और ये ड्राइवर साइड सीट, ड्राइवर सीट हाइट्स मैन का फीचर नहीं दिया गया है, वो आपको BXi वेरिएंट से ऑफर करा जाएगा। फ्यूल लिड को ओपन करने के लिए, कार की बूट को अनलॉक करने के लिए, सीट को स्लाइड करने के लिए आपको यहाँ पर दिया जाता है। और ये इस कार का बैक डोर, डोर ओपन हो गया ब्लैक कलर का, मैनुअली विंडो, बटन लगे स्पेस और स्पीकर। तो वैसे आप जैसे कुछ तरह का आपको इस कार का इंटीरियर मिलने वाला है पूरा ब्लैक कलर का।
और इस एरा इस कार का स्टेयरिंग व्हील सुजुकी का लोगो है, क्रोम मिल जाएगा आपको सर्कुलर में। SRS एयरबैग की होगी बेजिंग, सिल्वर फिनिश होगी या फिर पियानो ब्लैक फिनिश होगी, वो आपको इसके स्टेयरिंग व्हील पे देखने के लिए नहीं मिलेगी। और बेसिक सा मिल जाएगा आपको उसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जैसे आप देख सकते हैं। RPM मीटर भी आपको इसके बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगा, स्पीडोमीटर दिया जाएगा। नीचे साइड होगी बिल्कुल छोटे साइज की MID, कुछ आपको यहाँ पर अलर्ट लाइट्स मिल जाएंगी। और ये रस कार का सेंटर कंसोल, दो AC वेंट्स दिए जाएंगे आपको सर्कुलर में, 1000 लाइट का हो गया बटन। और इसके बेस वेंट में आपको कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है, सिर्फ आपको यहाँ पर उसकी हाउसिंग मिलेगी। मैनुअली होगी AC, 12 वोल्ट का मिल जाएगा आपको यहाँ पर पावर सॉकेट, टो का फोल्डर्स हो गए, और 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में रहने वाली कार, यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश मिल जाएगी। और ये रस कार का हैंड ब्रेक, और मैं आपको इस कार का ग्लव बॉक्स दिखाता हूँ, कितना स्पेस आपको इस कार के ग्लव बॉक्स में मिल जाएगा। इस कार का सनवाइजर, वैनिटी मिरर, टिकट होल्डर आपको नहीं दिया जाएगा। और ये रस कार का लैंप हेलोजन में रहने वाला। और ये रस कार का IRBM, मैनुअली डे नाइट एडजस्टमेंट भी नहीं दी जाएगी आपको इसमें। और ये रहा को ड्राइवर साइड का, यहाँ पर भी आपको वैनिटी मिरर, टिकट होल्डर जैसा कुछ नहीं दिया जाता है। ये रहा ग्रैब हैंडल। और ये इस कार की फ्रंट सीट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं आपको इसमें, फिक्स हेडरेस्ट दिए जाएंगे। और फैब्रिक सीट्स रहने वाली है कुछ इस तरह की। और ये रस का को ड्राइवर साइड डोर, बटरवर्थ के लिए स्पेस है, डॉक्यूमेंट रखने स्पेस, स्पीकर की हाउसिंग, पावर विंडो। तो वैसे आपने देखा कुछ तरह का लगता है फ्रंट सीट पर बैठकर। अब चले फिर चल लेता हूं मैं इस कार की रियर सीट पर, ड्राइवर सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कितना लेग रूम है इस कार में। वैसे आप देखते हैं यहाँ पर आपको कार्बन फिनिश मिल जाएगी, काफी बढ़िया लगता है देखने में। वैसे आप देखते हैं यहाँ पर आपको कोई भी ऐसे फीचर्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं, क्योंकि कस्टमर को काफी पसंद आता है जिनको मॉडिफिकेशन करानी है, और मॉडिफिकेशन कराने के बाद उसको काफी बढ़िया बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में इसका प्राइस बताया दिया था, कार का काफी वैल्यू फॉर मनी है, काफी बढ़िया प्राइस है कार का इसके बेस वेरिएंट का। तो मेरे को इतना लेग रूम आपको इस कार के रियर सीट पे मिल जाएगा। बैक सीट पर बैठकर कुछ तरह का लगता है डैशबोर्ड इस कार का। यहाँ पर आपको वाटर बॉटल के लिए स्पेस मिल जाएगा, पूरी फ्लैट सरफेस नहीं रहने वाली है, यहाँ पर आपको इतने साइज का बम्प मिल जाता है। और जो टूल किट हो गई वो आपको यहाँ पर दी जाएगी, फ्रंट में फिक्स्ड हेडरेस्ट जैसे मैंने आपको दिखाई दिया था, और बैक में भी आपको कुछ तरह के फिक्स्ड हेडरेस्ट मिल जाएंगे। ग्रैब हैंडल हो गया यहाँ पर। और ये रहा इसका को ड्राइवर साइड डोर, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, डोर ओपनर हो गया ब्लैक कलर का। तो भाई ओवरऑल कुछ तरह का था इंटीरियर कार का, जो भी कुछ था इस कार के इंटीरियर वो मैंने आपको दिखा दिया है। तो इस कार ने ग्लोबल NKMA 2-स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर करी है, और सेफ्टी के नाम पर आपको इसमें फ्रंट 2 एयरबैग्स, ABS विद EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे। तो वैसे आपने देखा कुछ तरह के फीचर्स आपको इस कार के बेस वेरिएंट में मिल जाते हैं। अगर आपको बेसिक फीचर्स चाहिए तो आप इसके BXI वेरिएंट की तरफ जा सकते हैं, जिसमें आपको 2-डिन का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, व्हील कवर्स मिल जाएंगे, रिमोट सेंटर लॉकिंग, चारों पावर विंडो कंट्रोल्स और डोर हैंडल्स बॉडी कलर के मिल जाएंगे। कुछ ऐसे फीचर्स आपको इसके BXI वेरिएंट में मिल जाएंगे। अगर आपको मॉडिफिकेशन नहीं करानी है इस कार में, तो अगर आपको मॉडिफिकेशन करानी है तो आपके लिए LXI वेरिएंट सही रहेगा। तो अगर आपको BXI वेरिएंट की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखनी है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पर देखने के लिए आपका धन्यवाद।